एवरीवन, न्यूमेरिकल है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। द म्यूजिक सिस्टम ड्रॉन द करंट, म्यूजिक सिस्टम में जो करंट जा रहा है वो कितना है कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी से। आई की वैल्यू 400 मिली एम्पियर है। 400 मिली एम्पियर मीन्स 400 एज इट इज रहेगा, और मिली का मतलब 10^-3, और ये एम्पियर हो जाएगा। आई की वैल्यू 0.4 एम्पियर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये करंट तब मिल रहा है जब हम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड कर रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये करंट मिल रहा है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू आई आर से टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट हो जाएगा। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से E की वैल्यू 12 है और I की वैल्यू 0.4 है, तो R इज इक्वल टू 120, यहाँ पर डेसिमल कैंसिल करके ऊपर जीरो ले रहे हैं और 4, और इसको कैंसिल करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो म्यूजिक सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। म्यूजिक सिस्टम का रेजिस्टेंस 30 ओम आ गया, तो ये मेरा सॉल्व होगा। करे द म्यूजिक सिस्टम इफ़ लेफ्ट प्लेइंग फॉर द सेवरल आर, अगर हम कुछ देर के लिए उसको छोड़ दें वैसे बजने के लिए, तो फाइनली द बैटरी वोल्टेज ड्रॉप, तो फाइनली वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है ऑफ द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप प्लेइंग, ठीक है, जब हमने उसको बंद कर दिया, बजना जब बंद हो गया तो तब तक जैसे बजाना शुरू किया था तब से वो जब बजाना बंद किया तब तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है ये हमको बताओ। और व्हेन द करंट ड्रॉप इज, और करंट ड्रॉप कितना हुआ है, वो हुआ 320 मिली एम्पियर। अब अगर ये मिली एम्पियर में है तो 320 तो एज इट इज रहेगा, मिली को 10^-3 एम्पियर करना पड़ेगा, आई की वैल्यू 0.32 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। करें व्हाट बैटरी वोल्टेज डज द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप प्लेइंग, ठीक है, कौन से वोल्टेज पर बैटरी जब बजना म्यूजिक सिस्टम का बजना बंद हुआ तो बैटरी का अब कितना पोटेंशियल बचा हुआ है वो हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, म्यूजिक सिस्टम जब बजना बंद हुआ तब का पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है, तो ये करंट आई हो जाएगा और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और कब का करंट, जब बंद हुआ है तब का करंट कितना है, 320 मिली एम्पियर यानी 0.32 एम्पियर, और रेजिस्टेंस तो उसका कांस्टेंट है तो ये 30 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 3.2 × 3 और V इज इक्वल टू 6 और ये 3×3 = 9.6 वोल्ट आ जाएगा। तो जब बजना बंद हुआ वो म्यूजिक सिस्टम तो उसका पोटेंशियल कितना है, तब उसका पोटेंशियल 9.6 वोल्ट है। कितना है, 9.6 वोल्ट है, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल का ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E माइनस V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, स्मॉल V पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू शुरुआत में 12 वोल्ट थी और बजना जब बंद हुआ तो पोटेंशियल कितना आ गया है, 9.6 आ गया है। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना आ जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा 12.0 9.6, तो ये 4 और 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, तो 2.4 वोल्ट का क्या आ गया, ड्रॉप आ गया, ठीक है। तो अगर कहता यहाँ पर कि पोटेंशियल ड्रॉप भी बताओ हमको, तो ये आंसर हो जाता, और कितने पोटेंशियल पर म्यूजिक सिस्टम बंद हुआ तो ये आंसर हो गया, कितने पर स्टार्ट हुआ था बजना तो ये हो गया आंसर, कि रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होता है किसी भी सिस्टम का, जो ओमिक सिस्टम होते हैं उनके, ठीक है।